सभी का स्वागत है आपके और हमारे YouTube चैनल पर। आप देख रहे हो गोल्स अचीवर्स। मैं आपके साथ कपिल तवर, टीचर, करियर काउंसलर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू बिकम एन पायलट। गर्ल्स एंड बॉयज पायलट कैसे बन सकते हैं इस वीडियो में जानने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक वॉच करें। दोस्तों आज हम आपको गाइड करने वाले हैं, ऐसी चार वेज आपको बताने वाले हैं जो आप फॉलो करके अपनी गोल अचीव कर सकते हो। तो इस वीडियो को लास्ट तक आपको देखना है। आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स 8 में पढ़ रहे होंगे, 10th में होंगे, 11th में होंगे और ग्रेजुएशन लेवल पर होंगे, तो उन सभी के लिए वीडियो है। तो आप फर्स्ट जो एंड वे है, जो फर्स्ट वे है वो है NDA, समझे आप, नेशनल डिफेंस एकेडमी। जिनको नहीं पता है, फर्स्ट हम बात कर रहे थे नेशनल डिफेंस एकेडमी। यदि आप नेशनल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन करते हो तो आप पायलट बन सकते हो। और इसमें एज 16.5 से लेकर 19 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। जो एजुकेशन लगती है इसके लिए 12th में आपके पास साइंस फील्ड होना कंपलसरी है। यदि आपने साइंस फील्ड चूज की है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। साइंस फील्ड के साथ साथ आप सभी के पास मैथ्स और फिजिक्स कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए। और इसमें परसेंटेज मैटर नहीं करता, सिर्फ मैटर करता है आपके पास नॉलेज और दिमाग में कितना ज्ञान है, सिर्फ तो ही आप इसका एग्जाम क्रैक कर पाओगे। तो बात करते हैं दूसरी, जो दूसरी एंट्री है ग्रेजुएशन लेवल पर है, जो कि है CDS कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जाम, जो कि फॉर मैन ओनली, मीन्स मैन ही कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसकी एज 20 से लेकर 24 इयर्स के बीच में इसकी एज होती है। यदि आप 20 से 24 इयर्स के बीच में हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ग्रेजुएशन आपके पास होनी चाहिए। ग्रेजुएशन आपने कंप्लीट कर लिया है तो आप अप्लाई कर सकते हो। और यदि आप फाइनल ईयर में है तो अभी आप अप्लाई कर सकते हो, पर 12th में आपके पास फिजिक्स और मैथ्स सब्जेक्ट्स होना कंपलसरी है और उसमें आपको 60% होने जरूरी है तो ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और इसकी जो रिक्वायरमेंट है, जो नोटिफिकेशन है, अभी हमें इतना तो पता चल गया ये एंट्री निकलती है, पर एंट्री कभी निकलती है उसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों इसकी जो एंट्री है नवंबर और दिसंबर के मंथ में इसकी रिक्वायरमेंट्स आती है। जब रिक्वायरमेंट्स आती है वो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, तभी आप उसके लिए अप्लाई कर देने का। कभी आती है नवंबर और दिसंबर में, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं थर्ड वे, जो कि NCC स्पेशल एंट्री, और मैन एंड वुमेन दोनों ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये भी ग्रेजुएशन लेवल पर आती है, तो मैन के लिए परमानेंट कमीशन और शॉर्ट सर्विस कमीशन दोनों ही वे वो प्रोवाइड, मींस दोनों ही दो वे उनको मिलती है, परमानेंट कमीशन और शॉर्ट सर्विस कमीशन। और वुमेन्स के लिए सिर्फ शॉर्ट सर्विस कमीशन ही एंट्री वे में एंट्री है। और बात करते हैं इसकी एज के बारे में। गर्ल्स एंड बॉयज मैरिड नहीं होने चाहिए, सिंगल होने चाहिए, अनमैरिड का कुछ काम नहीं है। मैरिड रहेंगे तो आपको एग्जाम में डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो ग्रेजुएशन कितनी, ग्रेजुएशन में आपको 60% मार्क्स होने चाहिए, BE/BTECH में आपको 60% स्कोर होने चाहिए, उसके साथ साथ आपके पास 12th में साइंस सब्जेक्ट होना जरूरी है। और यदि आपने NCC का C सर्टिफिकेट लेकर रखा है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो NCC की स्पेशल एंट्री के लिए। उसके बाद हम बात करते हैं SSC शॉर्ट सर्विस कमीशन, इसके लिए मैन और वुमेन दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए जो एज लगती है 20 से लेकर 24 इयर्स के बीच, और इसके लिए एजुकेशन लगता है वो है फिजिक्स और मैथ्स, आपके पास 10th-12th लेवल में होना चाहिए और 60% मार्क्स आपके होना चाहिए। और ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, BE/BTECH में आपको 60% मार्क्स स्कोर होने चाहिए तो ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और इसकी जो नोटिफिकेशन है, अप्लाइंग डेट है, अप्लाई आप जून और दिसंबर के मंथ में कर सकते हो। दोस्तों आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।